शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को चेतावनी दी है। एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी के जरिए शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर आज शाम 5 बजे तक वो मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब एक बकायदा चिट्ठी लिखकर शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर आज शाम को जो 5 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम सांसद विधायकों को बुलाया गया है, अगर वो उसमें शामिल नहीं होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये वो लेटर है, ये वो चिट्ठी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मराठी में लिखा गया है इसमें। लेकिन लब्बोलुबाब इस खत का, इस लेटर का यही है कि जो बागी विधायक हैं, जिनका जिनकी जो संख्या है एकनाथ शिंदे के मुताबिक वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शिवसेना ने इन्हीं बागी विधायकों को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि अगर आप शाम को 5 बजे होने वाली बैठक पर शामिल नहीं होते तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। 5 बजे की जो बैठक है उसमें सांसद और विधायक सभी को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसमें जो मौजूदा स्थिति उसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खत इस बीच सामने आया। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, ये जो लेटर लिख दिया गया है शिवसेना द्वारा, बागी विधायकों को एक तरीके से आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर देखा जाएगा? जी बिल्कुल, इसको आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर भी देखा जाएगा और शिवसेना के लिए भी ये कहा जाएगा कि ये उनकी एक आखिरी सबसे बड़ी चाल है। अगर वो जो है इन विधायकों को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो एक तरीके से डर दिखाने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले मान मनोबल का दौर जो चल चुका है उससे कोई खास फर्क पड़ता दिखा नहीं है। लेकिन अगर जो हम जो बागी गुट है, जिसको जो है लगातार एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप हमको बागी मत कहिए, हम तो शिवसैनिक हैं, अगर हम उस गुट की बात करते हैं तो उस गुट में अब तक जो है एकनाथ शिंदे के मुताबिक तो 40 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं, लेकिन यह भी गौर करना है कि उस 40 में निर्दलीय भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। तो ऐसे में आंकड़ों की बाजीगरी इस वक्त अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वो शिवसेना या ये कहा जाए महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि अगर यह भी माना जाए कि अगर 34 विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ में है और अगर उनकी सदस्यता रद्द भी होती है तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति यह बनेगी कि 284 की विधानसभा में से 285 सदस्य रहेंगे और ऐसे बहुमत चाहिए होगा 126 का। तो 126 का आंकड़ा किसके पास है? महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास नहीं है। वो आंकड़ा सूट कर रहा है ज्यादा बीजेपी को, और बीजेपी अगर जो है इन विधायकों की सदस्यता जो है रद्द भी हो जाती है तब भी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन में है। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।